हाँ, दिस इज़ आर्ष वार और मैं आपका स्वागत करता हूँ हमारे वॉरफेयर चैनल में। आज मैं आपके लिए लेके आए टेलम का अपडेट। बहुत से लोग पहले पूछ रहे थे कि इसमें स्टेकिंग कैसे करनी है BUSD की और BNB की, वो हमने आपको पूरा डिटेल वीडियो बताया था। पिछला वीडियो हमने जो दिया था बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आपने दिया, थैंक यू सो मच फॉर दैट। एंड अगर आपने अभी स्टेकिंग नहीं करी है, स्टेकिंग कैसे करनी है, फार्मिंग कैसे करनी है, वो तो आपको ये सारी डिटेल्स मिल जाएंगी इस वीडियो में। आप कार्ड के ऊपर क्लिक कर सकते हैं, ऊपर ये लिंक दिया गया है, तो ये लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके ऊपर क्लिक करके पूरा वीडियो देख सकते हैं। आप अपनी स्टेकिंग अभी भी शुरू कर सकते हैं क्योंकि TLM में जो स्टेकिंग है, फार्मिंग है, अभी भी चल रही है लॉन्च पूल में। तो इसके ऊपर आपने यहाँ जाना है, बाइनेंस आपने यहाँ खोलना है। बाइनेंस खोल के यहाँ आपके टॉप पे दिखेगा TLM बाइनेंस लॉन्च पूल, और मैं अभी आपको ये दिखाने वाला हूँ कि अभी अर्निंग्स किस तरीके से चल रही है, कितने TLMs मिल गए हैं, ये सब कुछ मैं आपको बताने वाला हूँ। और इससे पहले मैं आपको बता दूँ कि 13th को, यानी कि 13th ऑफ अप्रैल को लिस्टिंग है इस कॉइन की, यानी कि एलियन वर्ल्ड्स TLM की। TLM के फुल फॉर्म आपको बता दूँ कि ट्रिलियम कॉइन के नाम से ये कॉइन है, तो इसकी लिस्टिंग हो जाएगी यहाँ। एंड उससे पहले हमारे पास यहाँ कुछ ना कुछ TLMs होंगे। अगर जितने ज़्यादा आपके पास TLMs होंगे, आप उतना ही ज़्यादा उनके ऊपर एक अच्छा प्रॉफिट ले पाओगे, गेंस ले पाओगे, क्योंकि जब लिस्टिंग पे एकदम से उसका बूम आता है, प्राइस में बूम आता है, वो आपके लिए एक ऐसा टाइम होता है जिसमें आप बहुत अच्छी अर्निंग कर सकते हैं। तो राइट नाउ मैं आपको फिर से एक बार बता देता हूँ कि यहाँ स्टेकिंग BNBs और BUSDs दोनों में अवेलेबल हैं। एंड मैंने यहाँ स्टेकिंग करी थी आपके सामने, लाइव स्टेकिंग करी थी, आपको दिखाया था सब कुछ। और सबसे पहले हम चलते हैं स्टेकिंग BNB में, या स्टेक BNB के ऊपर चलते हैं। तो यहाँ 30 दिन का फार्मिंग पीरियड है, ये ऑलरेडी हम सभी जानते हैं। एंड एक चीज़ ये है कि यहाँ जो फार्मिंग है, ऐसा नहीं कि आपने पहले दिन से शुरू करना है और लास्ट डे तक, यहाँ 30th डे तक फार्मिंग करनी है तभी हो पाएगा। आप कभी भी अपने जो भी स्टेक्ड BUSDs हैं उनका वापस ले सकते हैं, ये आप देख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ एक BNB स्टेक किया हुआ है। यहाँ स्टेकिंग हम और भी ज़्यादा कर सकते हैं और इसी के साथ हम रिडीम भी कर सकते हैं। ये मैंने आपको ये बहुत क्लियरली चीज़ बताई थी कि आप यहाँ मैक्सिमम करके या फिर जितना भी आप चाहते हैं उतना वापस ले सकते हैं, रिडीम कर सकते हैं। ये बेस्ट चीज़ है इस स्टेकिंग की। एंड अभी मैं आपको ये बताता हूँ कि यहाँ जो टाइमिंग है लिस्टिंग की, वो भी सामने यहाँ दिख रही है। टाइम अनटिल लिस्टिंग, 1 दिन और 18 घंटे का टाइम अभी बाकी है। ये जो भी कॉइन है, TLM कॉइन है, अभी एनलिस्ट हो जाएगा। एनलिस्ट होने के बाद आपको इसकी वैल्यू देखने को मिलेगी। तो यहाँ हमने 1 BNB स्टेक किया, इसके ऊपर क्या बेनिफिट्स मिले हैं तो ये भी मैं आपको दिखा देता हूँ। 1 BNB और मैंने जो शुरू किया था, अभी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, हार्डली 1 or 2 days में। जिन लोगों ने पहले शुरू कर लिया था 7th को, क्योंकि 7th ऑफ अप्रैल को इसकी जो फार्मिंग का शुरू हुई थी, अगर उस दिन से आपने शुरू किया है तो शायद आपके पास TLMs ज़्यादा होंगे। और ऑल्सो ये डिपेंड करेगा कि आपके BNBs कितने हैं, आप कितना स्टेक करके, आपका अमाउंट कितना स्टेक्ड है। तो करंटली हम देख सकते हैं कि यहाँ 1.2724 TLMs ये मेरे पास हैं और इनको हम क्लेम कर सकते हैं। मैंने पहले क्लेम नहीं किया बिकॉज आई वॉन्टेड टू डू दिस लाइव इन फ्रंट ऑफ यू। तो हम क्लेम रिवॉर्ड्स के ऊपर क्लिक करेंगे। वंस क्लेम्ड योर TLM विल बी ट्रांसफर टू योर स्पॉट अकाउंट, ये सबसे अच्छी चीज़ है, यानी कि सीधा स्पॉट अकाउंट में ये TLMs चले जाएंगे। तो हमें क्लेम रिवॉर्ड्स के ऊपर क्लिक करना है। क्लेम सक्सेसफुल हो चुका है, टोटल रिवॉर्ड्स रिसीव्ड 1.2724 TLMs इतने हमारे पास आ चुके हैं। अब इसकी वैल्यू क्या होने वाली है वो हमें 1 दिन और 18 घंटे के बाद पता चलेगा, यानी कि 13th ऑफ अप्रैल को पता चलेगा। एंड नेक्स्ट थिंग हम जो अभी देखने वाले हैं, हम चलते हैं वापस स्टेकिंग के ऊपर, क्योंकि हमने जो ये है इसका रिवॉर्ड्स ले लिए, BNBs वाले का रिवॉर्ड ले लिए। और इसी के साथ मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि BSDs में भी कर सकते हैं, और BSDs में हमने आपके सामने किया था, तब मैंने 100 BSDs किए थे, फिर मैंने थोड़ा सा इंक्रीज़ किया इसको, 20 BSDs कर दिया। तो यहाँ हमने स्टेकिंग करी, ये भी बिल्कुल सेम है, सब कुछ वही है, बस इतना है कि जो स्टेकिंग के बेनिफिट्स है वो डिफरेंट होंगे, डिपेंड करेंगे। क्योंकि अगर हम बात करें BNB की, तो BNB करंटली आप देख सकते हो 450+ चल रहा है, इतना आसपास चल रहा है। लेकिन अगर हम BUSDs की बात करें, तो ऐसा बोल सकते हैं कि यहाँ सिर्फ आधे BUSDs मैंने या फिर आधा BNB स्टेक किया हुआ है। तो जो इस चीज़ का फ़ायदा एक ही है कि आप यहाँ बहुत कम अमाउंट स्टेक कर सकते हैं, क्योंकि बहुत से लोगों के पास BSDs होते हैं, यानी कि आप USDTs हैं, आप उनको कन्वर्ट करके BSDs में कर सकते हैं। लेकिन इसका सबसे बड़ा जो फ़ायदा वही है कि BUSDs अगर आप स्टेक करते हैं तो इनकी वैल्यू में फ़र्क नहीं पड़ने वाला। BNB हो सकता है कि कल को 350 पे चला जाए, या फिर कल को हो सकता है कि 200 के पर चला जाए, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन BUSD हमेशा डॉलर के पैक्ट रहेगा। USDT की वैल्यू, USD की वैल्यू ऑलमोस्ट सेम रहने वाली, इन सभी की वैल्यू, इसमें कोई भी आपको इश्यू नहीं दिखेगा। तो यहाँ आप देख सकते हैं 200 BSD स्टे किए थे, इनको मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ हम इनको रिडीम भी कर सकते हैं, हमें रिडीम अभी नहीं करने क्योंकि हमें इनको यहाँ स्टेक करके रखना है। अगर वैसे स्पॉट वॉलेट में पड़े तो वहाँ भी हमें कोई बेनिफिट नहीं दे रहे हैं, तो इससे अच्छा ये कि हम यहाँ स्टेकिंग करके इनके ऊपर कुछ अच्छा बेनिफिट ले पाएँ। तो यार TLMs देखो कि कुछ खास नहीं हमें मिला है, लेकिन फिर भी 200 BSDs के ऊपर 0.6
TLM मिल चुके हैं तो हम इनको यहाँ क्लेम कर लेंगे। क्लेम रिवॉर्ड्स के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पर देखो क्लेम सक्सेसफुल हो चुका है। तो फाइनली हमारे पास अराउंड 2 TLMs हैं। इन TLM की वैल्यू क्या है वी नेवर नो राइट नाउ, लेकिन उम्मीद है कि अच्छी ही वैल्यू देंगे। तो अभी हम वापस आ चुके हैं यहाँ स्पॉट वॉलेट में। स्पॉट वॉलेट में आपको यहाँ दिखाने वाला हूँ कि TLMs हमारे पास यहाँ आ चुके हैं। एलियन वर्ल्ड्स TLM कॉइन यहाँ दिख रहे हैं, 1.91 TLMs हैं करंटली। इनकी जो वैल्यू है कुछ भी नहीं है, $0.0 दिखा रहा है। हालांकि ये थोड़ा अजीब देखने को लग रहा है, लेकिन 13th को आपको डेफिनेटली यहाँ एक अच्छी वैल्यू देखने को मिलेगी। आई होप कि $10 पहुँच जाए तो हम इसको $10 पे, $100 पे जितनी हाईएस्ट वैल्यू जाएगी उस पर हम सेल करने वाले हैं। बस इतना कि आपको इसके ऊपर निगाह रखनी है, जैसी लिस्टिंग हो जाएगी बहुत ज़्यादा पंप आएगा हाईएस्ट प्राइस पे इसको सेल कर दें। ये आपने खुद स्पेकुलेशन करनी है, आपने खुद यहाँ देखना है कि किस पॉइंट पे आपको लग रहा है कि यही हाईएस्ट है। एंड वो वहाँ उस टाइम सेलिंग बाइंग इतनी फास्ट होती है कि हाथ से प्राइस जाता है, तो आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है। तो इस तरीके से TLM आज हमारे पास इतने आ चुके हैं। एंड इन फ्यूचर अभी बहुत दिनों की फार्मिंग बाकी है, हम इनको और भी इकट्ठा करते रहेंगे। तो जैसे अपडेट्स आती रहेंगी मैं आपको यहाँ देता रहूँगा, और प्राइस क्या होने वाला है ये सारी डिस्कशन हम आने वाले वीडियोस में करने वाले हैं। एंड इवन जो लाइव जैसे ही लिस्टिंग होगी वो सारी डिटेल्स मैं आपको टाइम टू टाइम देता रहूँगा। एंड सो आज के हमारे वीडियो में इतना ही। मैं आपको यहाँ क्लेम करने का दिखाने वाला था और आपको यहाँ दिखाने वाला था कि क्या हमें बेनिफिट्स मिल रहे हैं। तो ऐसे हमारे साथ बने रहिए, बाकी अपडेट्स आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप और चैनल के ऊपर मिलने वाली है। वो लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, दोनों वॉरफेयर ऑफिशियल और वॉरफेयर डिस्कस दोनों ग्रुप्स और लिंक्स मिल जाएंगे। एंड इसी के साथ हमारे वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करते हैं, और कमेंट करके बताएंगे आपका क्या मानना है, क्या लगता है आपको कि TLM की वैल्यू क्या होने वाली है, या फिर आपको कोई भी डाउट हो या कोई ओपिनियन हो तो हमें नीचे वो भी कमेंट करके बताएं। और इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए, क्योंकि वॉरफेयर हमेशा आपके लिए ऐसी सारी लेटेस्ट अपडेट्स लाता रहेगा। थैंक यू सो मच, स्टे ट्यून्ड।